चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 3, जिसके अंदर आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम करना शुरू करेंगे। जो है प्रॉपर नोटेशन ध्यान रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 50। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड डिविजन इज 15। If class selected at a random from the find out the following probability, a class consists of more than 68 student, class consists of less than 32 student. तो first of all बच्चा आप जो बोलोगे यहाँ पे information जो दी हुई है उसके हिसाब से आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखना है mu सबसे पहले लिखना है। mu कितना लिखोगे बच्चा? तो 50, और sigma जो बोलोगे आप 1515। इसके बाद आप बोलोगे सर हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 68, और आप बोलोगे सेकेंड वाले में x इज लेस देन 32। तो ये दो पॉसिबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है, सब में इंफॉर्मेशन क्या दी है उसके अकॉर्डिंगली हमें सम करना है। आप बोलोगे सर यहाँ मोर देन वर्ड लिखा था इसलिए ग्रेटर देन लिखा, यहाँ लेस देन बोला था इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिखा। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर ये नॉर्मल क्या है? वेरिएबल है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब जेड में कन्वर्ट करना है, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ याद करवा दू ये हर फॉर्मूला हर मैं लेक्चर में लिखता हूँ वीडियो में, तो वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर 68 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 68 माइनस 15 अपॉन 15। आप बोलोगे कैलकुलेटर पर सर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 68 माइनस 50 डिवाइड बाय 15 करोगे तो ये जेड आ जाएगा ग्रेटर देन 1.2। क्लियर है बच्चा? जैसे ही मैं ग्रेटर देन वर्ड लिखूंगा आप बोलोगे सर यहाँ पे अभी ये होने के बाद आप बोलोगे सर हमें जो करना है वो फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये पहली फिगर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे जेड जीरो, ये पॉजिटिव है इसलिए हमने राइट हैंड साइड ये लिख दिया जेड इज इक्वल टू 1/2। अभी इससे ज्यादा देखना है, क्या करना है बच्चा इससे ज्यादा? तो आप बोलोगे सर ये 1/ यहाँ पे जो है ये पोर्शन लेना है। तो आप बोलोगे सर ढूंढोगे कैसे? तो बहुत सिंपल है बच्चा, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि यहाँ पे z जीरो से ये वाला पोर्शन पूरा 0.5 होता है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ से हम करेंगे z जीरो से, आप बोलोगे z वन जो होगा 1.2 वो हम ढूंढना शुरू करेंगे यहाँ से लेके, तो ये पोर्शन हमें मिल जाएगा ये पूरे में से, ये पूरा 0.5 होता है उसमें से 0 से लेके 1.02 का जो एरिया होगा वो माइनस कर देंगे तो बाकी का एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर चलो नोटेशन लिखना पड़ेगा। ये बनाने के बाद आपको कंटिन्यूएशन शुरू करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे यहाँ पे जेड, यहाँ पे लिखोगे आप इन्फिनाइट पहले, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा जेड जीरो से, यहाँ एक लिख लेते हैं इन्फिनिटी आपको समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे जीरो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन, बस ग्रेटर देन ही वर्ड होगा ये ध्यान में रखना। तो बच्चा लिखने का ध्यान रखना थोड़ा, आप बोलोगे सर यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी तक, तो जीरो लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन आप बोलोगे इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चा? माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्या करोगे? तो बच्चा आपको बोला जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.2। ध्यान में रखना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, वो ध्यान में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ 0.5 हो जाएगा और 1.2 को z टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1.2 को आप z टेबल में लिखते हो तो 3849 माइनस करो बच्चा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस करोगे तो 0.5 माइनस
3849 तो हो जाएगा 0.1151। कितना हो जाएगा? 0.1151। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट सब। बच्चा ये जो है ये एक्स्ट्रा किया हुआ है समझाने के लिए कि कैसे ये लॉजिक बैठेगा, ये ध्यान में रखना। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, यहाँ ग्रेटर देन था तो भी आपने लेस देन लिखा। बच्चा ये लिखने की पैटर्न ही वही है, पूछो ध्यान रख। अभी बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 32, आप बोलोगे z में कन्वर्ट करते हैं सर, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 32 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ हो जाएगा z लेस देन, यहाँ पर करोगे 32 माइनस सिग्मा, म्यू जो है वो 50 है और यहाँ पे सिग्मा जो है वो 15 है। जैसे ये सॉल्व करते हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो होगा 32 माइनस 50 डिवाइड बाई 15, तो होगा आप बोलोगे z लेस देन 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2। डायलॉग थोड़ा प्रॉपर बोलना पड़ेगा, माइनस 1/2 जैसे आएगा तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ पे जो है, पहले तो फिगर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लिखा z0, z1 हो जाएगा माइनस है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और लेस बोला है उससे कम बोला है तो ये वाला पोर्शन आएगा। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर लिखोगे कैसे, तो ये समझ लो कैसे उसको करना है। तो ये आपको पता है कि टोटल ये साइड का जो होता है वो ध्यान में रखना होता है, यहाँ पे z0, यहाँ पे 0.5 होगा, ये तो पूरा पोर्शन आपको क्लियर है। उसमें से आप बोलोगे सर यहाँ से जो है ये z0 और यहाँ से आपको जो ढूंढना है 1.2, तो ये 1.2 मतलब ये वाला पोर्शन। आप बोलोगे सर 0.5 में से 1.2 माइनस करोगे, 1.2 का जो एरिया है वो माइनस करोगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते, पहले यहाँ लिखा जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी बोला जाएगा, ये क्लियर है ना बच्चा? तो आप बोलोगे लेस देन लिखोगे z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ से अभी लिखेंगे माइनस 1/2 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ये जो माइनस है इसलिए थोड़ा हम चेंज कर देंगे, ये आप बोलोगे सेमिस्ट्रिक, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? सेमिस्ट्रिक लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 1.2, आप बोलोगे 0.5 और यहाँ पे जो आप करोगे तो 0.3849 सॉल्व करोगे तो 0.1151। बच्चा ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, प्रेजेंटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, एक एक पॉइंट, क्योंकि ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रॉपर ये समझ के करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। ये समझ लो बच्चा आपका इलास्टेशन नंबर 3 खत्म हुआ, 4 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक एक ही लेक्चर में एक एक ही कर रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नोटबुक में प्रॉपर लिखना तो बहुत ईजी रहेगा, पीछे के सम आपको लगेंगे कुछ लगेंगे ही नहीं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नोटबुक में लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक वीडियो के साथ बच्चा।